अपने बोल मम्मी तब से हेलो दगड़ियो, तुम कना छो? हम अच्छा छो, तुम? हम भी बढ़िया छो, तुम भी बढ़िया वेला। आज का ब्लॉग में बना रहे हो, देखते रहना हमें कमेंट करना। ब्लॉग आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो ठीक है मम्मी जी? ठीक है, और सुके आ गई। और मम्मी बोल रही है कि लोग मायके में जाकर हो जाते हैं मोटे और तू हो जाती है सूखी। कहीं से लग रही हूँ मैं सूखी? चलो अब मम्मी से पूछते हैं कि सुमन और मैं नहीं थे तो मम्मी ने क्या किया इतने दिन घर में, क्या क्या काम किए? वही जो घर का काम होते हैं, खाना बनाना, सफाई करनी, कपड़े धोने। ध्यान तो बच्चों का ही रहता, बच्चों का ही घर होता है, ये घर में नहीं थी दोनों तो मैं परेशान थी। और अकेले अकेले कैसे लग रहा था? लग रहा था। जब सुमन आपके साथ थी, चीनू था, तब कैसा लग रहा था? तो तब ये है कि ये एक है साथ में, एक नहीं है, तो फिर भी अपना मन बैल रखा था कि चलो आ जाएंगे आ जाएंगे। अब दोनों चले गए थे, अकेली हो गई बिल्कुल। तो मेरी याद आ रही थी? याद आती क्यों नहीं आ रही थी? कहाँ पे आती है? यहाँ पे आती है, गाँव में यही बोलते हैं, यहाँ पे आती है। तभी चीकू भी ऐसी बोलता है कि यहाँ पे आ रही है याद। आपके बच्चों ने आपको परेशान किया था? परेशान क्या करते हैं वो, तो उनको तो खाना पीना चाहिए, अपना चले जाते हैं, कुछ तो करते नहीं है, गिलास पानी भी नहीं पीते अपने आप, उनको देना पड़ता है। आपको गुस्सा क्यों आया था? गुस्सा इसलिए आया मुझे कि ये हाथ जला के आई, अपने को आँख हाथ सब जला जुले के आई है, ये देख सकते हो, इसलिए गुस्सा आया कि क्या काम कर रहा है इसने जो इतना। और मैं हाथ दिखाती हूँ, ये जानबूझकर थोड़ी जलाया था, ऐसा हो जाता है कभी कभी। आपको पता है कितनी बड़ी शेफ हूँ मैं खाना बनाने में? हाँ तो खाना बनाना तो कहाँ आता, वहाँ जाके बना लिया था, हाथ जला दिया। मम्मी आपको गुस्सा नहीं आता कि आपके बहुए चले जाती है मैथ बार बार? मैथ मैथ, अरे बार बार मैथ तो क्या जाती है, चलो मजबूरी होती है, चलो भेज दिए मैंने, पर उसके बाद तो घर काटने को आता है। बच्चों के बगैर तो बेकार ही होता है, ना खाने की इच्छा करती, ना मैंने खाना खाया, ना मैं बस ऐसे पड़ी रही अपना, कभी लेट गई, कभी बैठ गई, टीवी देख ली। और आपको बुखार भी आ गया? बुखार हो गया, मेरे कमर में काम करके दर्द भी हो गया। अब आदत हो गई, अब काम नहीं कर रही थी मैं, अब काम करा तब कमर में मेरे से उठ ही नहीं जा रहा था कमर। अब ठीक हो? हाँ ठीक है। बताओ कि चीकू के आने से आपको कितनी खुशी मिल रही है? मेरे को अपने चीकू की बहुत याद आ रही थी, अरे इसको तो खुशी तो मिलेगी, उसके साथ खेलने को मिल रहा, अरे अभी घर में आ गए तो मेरा मन लग गया। समझा रही है कि ये नानू हाउस नहीं है, ये दादी हाउस है। नानू हाउस। अपने हस्बैंड चीकू, बोल चीकू हाउस। चीकू से क्वेश्चन किया जाएगा, चीकू आप नानू के घर क्यों जाते हो, नानू हाउस क्यों जाते हो आप? हाँ याद, याद आती है इसको, नानू की याद आती है, इसीलिए नानू हाउस जाता है। नौटंकी कर रहा है। अभी आ रहे नानू, आ रहे हैं, वो नानू देख रहे हैं, नानू देख रहे हैं। अगर पापा आप देख रहे हैं तो प्लीज चीकू के पास आ जाओ जल्दी से, बोलते हैं मैं। ठीक है, और किसकी याद आती है नानू? तो चलो मम्मी था पूछ ला कि मम्मी अकेला अकेला कर ला, मम्मी था के कर में छा मम्मी, और हमारी याद आ चुकी नहीं है, है ना चीकू? दादी माँ था हमारे यहाँ पूछे। ठीक है तो गाइस, तो बताओ मम्मी आपको कैसा लगा हमारे बगैर? मेरे को बहुत बेकार लाग, बच्चों के बगैर, तुम बगैर बहुत बेकार लाग में था ये। और सफाई पूरा करते थे ऊपर? सफाई मैंने पूरी करी है, सारा काम करा मैंने, झाड़ू पोछा, खाना पीना, बच्चों की रोटी, ऑफिस जाने की रोटी, सब टाइम पे मिल जाता था ये, सब टाइम पर उनका, तुमसे भी पहले जल्दी कर लेती थी। हाँ मेरे को बता रहे थे दोस्त की मम्मी मुझसे हमसे पहले कि तुम तीन मिलकर नहीं कर पाते, मम्मी अकेले कर रही है। तो मैं सबसे पहले काम करके मेरा तो हो जाता था। और जिस दिन पानी आया उस दिन आपने क्या करा? ऊपर साफ करके धोया। 4 बजे उठे थे आप? 4 बजे उठी हूँ मैं, पहली उठाया नहीं, उठाते मैं उनको, जब तक उनको उठाऊ मैं, जब तक उठेंगे तब तक मेरा सारे काम हो जाता है। मैंने तो बोला था कि छोटे बेटे को 5 बजे उठा देना, तो वही मैं उसको वही था सुना मरसी, वो बोल के गई 5 बजे उठाना, तो वो तो दरवाजा खोलने भी नहीं उठा। अच्छा तो तुमने क्या दिया? मैंने चिल्लाई, हाँ वो बड़ा वाला आया जिम से, फिर चिल्लाई में कि दरवाजा तो खोल दे, तंग कर रखा है मैंने तो। अच्छा तब जाके खोला, उस दिन सुन भी नहीं रहा था, उस दिन थक गई मैं, फिर
काम करके तो फिर मेरी कमर भी उठी, कमर हो गई मेरी, अकड़ गई कमर। फिर क्या, फिर भी करती रही मैं। देखो हमारी मम्मी अभी भी कितनी एक्सपेक्ट है काम करने में। काम तो मैं सबसे पहले निपटा देती हूँ, चार्जर से भी हो रहा है, पता लगे रहो बैल की तरह लगी रहो, उसके बाद घर में जाओ। खाना आप अकेले खा लेती थी टाइम पर? नहीं, टाइम पर मेरे को अकेला में तो भूख ही नहीं लगी थे। बस कभी 4 बजे खाया जब भूख इस लगी है, कभी खा लिया 4 बजे, कभी पानी का तो अकेला में कोई मन करो खाना। 11:30 बजे आया, अच्छा 11:30 बजे रोटी खाई। तो गाइस ऐसे किसी की मम्मी नहीं होगी, किसी की सास नहीं होगी जैसे हमारी मम्मी है। अब आ गए दोनों नातिया आपके घर पे, अब आपको कैसा लग रहा? हो गया, हाँ रौनक हो गई है, बच्चों के बगैर तो सुनसान होता है। तंग भी आपको ज्यादा कर रहे हैं ना? तंग तो जो करते हैं, पर बच्चे आ गए तब मेरी भूख भी लगती है, सब कुछ होता है बच्चों के साथ में, बिना बच्चों का तो घर बेकारी है। अब अच्छा लग रहा होगा ना? अब अच्छा लग रहा है, ये दर्शक लियो लियो लियो, इसकी भी देखो, ये चीनू का, ये गुड्डा। आपको बहू ये आराम करने दे रही है? नहीं आराम करने दे रही, अब तो मैं कुछ नहीं कर रही जब से आई है ये, अब नहीं करने दे रहे मुझे काम, अब तो मैं बैठ गई, अब तो मेरे सोचे से ही नहीं होती, जरा ज्यादा घेल हो गई तो। पर अब आपको नाती है तो परेशान कर रहे हैं? सब कुछ मिल रहा तो यहीं पर सब कुछ मिल रहा मुझे बैठ के, पर भी बच्चे थोड़ा बच्चे ही करते हैं तंगी, देखो तंग कर रहे हैं। ठीक हो, आप क्या बोल रहे हो? दादी माँ को मिस कर रहे? नानू दादी माँ को मिस कर रहे थे आप? नानू हाउस से आपको दादी माँ की याद आ रही थी? नानू नहीं, दादी माँ की याद आ रही थी आपको? मुझे आपको दादी माँ की याद आ रही थी? मुझे आज का ब्लॉग चीकू एंड करेगा। चीकू बोलो लाइक प्लीज, लाइक कब।